हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानवीय क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 1 मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और यहां पर टेस्ट टाइम देखिए 10:30 AM से 12 PM दिया हुआ है और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग द्वारा साझा किया गया है। देखिए यहाँ पर लंबाई का मात्रक जैसे मीटर होता है, लंबाई को मीटर मापते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 का स्क्वायर लेंगे, इस तरह से 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए बी सी बराबर 168, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। यहाँ एक सरसमिका होती है, पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस सरसंख्या दी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू बिग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसी सरसंख्या में आपको वैल्यू पुट करना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 168 है तो 3 × 168 करेंगे, यहाँ पर 3 × 168 तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17 है तो यहाँ पर 17 पुट करेंगे, यहाँ पर भी देखिए इसकी जगह 17 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3 × AB प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दिया है 94, तो यहाँ पर लिखेंगे 94, तो 3 × यहाँ पर कर लेंगे 94, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अब देखिए 3 × पहले 168 करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होगा 3 × 8 = 24 की 4 हासिल 2, 3 × 6 = 18, 2 = 20, तो 3 × 3 = 2 = 5, 504 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, ब्रैकेट में पहले सॉल्व करते हैं और यहाँ पर 3 × 94 कर लेंगे तो 3 × 4 = 12 की 2 हासिल 1, 3 × 9 = 27, 1 = 28, तो 282। अब 289 में 282 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 7, तो यहाँ पर 7 और 17 का गुणा कर लेंगे क्योंकि इंटू यहाँ बाहर 17 है तो 17 सत्ते हो जाएगा 119, तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई उस साइड 119। यहाँ पर माइनस 504 है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 504 को पक्षांतर करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 119 प्राप्त हुआ तो 119 और प्लस 504 हो जाएगा, माइनस 504 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 × 4 = 13 की 3 हासिल 1, यहाँ पर 1 और 0 1 ही है तो 1 × 1 = 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 × 1 = 6, तो 623 होगा इसका आंसर। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का क्यू का मान ज्ञात करना था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं बराबर हो गई, बेस और हाइट, इसको यक्स मानते हैं, यहाँ भी यक्स, तो कर्ण आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ यक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x² होगा, यहाँ पर बराबर 2x² रूट के अंदर, तो यक्स बाहर निकालेंगे तो यक्स रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा हो जाएगी यहाँ पर यक्स रूट 2, सॉरी ये अभी एक कर्ण आया है यक्स रूट 2, अब इसमें देखिए एक कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो यक्स रूट 2 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 8, तो यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो रूट 2 बटे में जाएगा 8 के 8/√2, तो हर का पर में यही कर्ण कर लेंगे, रूट 2 का आंसर हर में गुणा, तो यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4√2 आएगी यक्स की वैल्यू, 4√2, तो अर्थात मतलब आधार 4√2 हो जाएगा और ऊंचाई यहाँ लंब भी 4√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 × समकोण लगा हुआ, इसलिए 1/2 × बेस इंटू हाइट, इसी में पहलू फुट कर देंगे 1/2 × बेस, देखिए 4√2 है यहाँ पर और हाइट भी 4√2 है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 4√2 × 4√2, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ देखिए 4 × 2 = 8 हुआ और √2 से 1 = 2 हो जाएगा तो 8 × 2 = 16, यहाँ पर 16 cm² होगा एरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है, यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहले प्रथम 11 पूर्णांक यहाँ पर यदि लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर कुल विषम यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर पहले देख लेते हैं तो विषम में देखिए 1 3 5 7 9 11 तो 6 हो जाएंगे विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक हो जाएंगे यहाँ पर 5, बचे 5 तो 5 सम पूर्णांक। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो पूर्णांकों का चयन करना है तो प्रायिकता का फार्मूला होता है पक्ष में संभावना और बटे कुल संभावना। पक्ष में संभावना देखिए विषम होने की प्रायिकता निकालना, तो विषम तो 6 है तो 6 में से 2 का चयन करना, तो 6C2 पक्ष में संभावना। और कुल संभावना के लिए दोनों को लेना होगा, मतलब 6C2 और प्लस 5C2। अब यहाँ पर देखिए 6C2 की वैल्यू होती है 6 × 5/2 × 1, इसको कन्वर्ट कर लेंगे नीचे हो जाएगा यहाँ पर 6C2 की हो जाएगी 6 × 5/2 × 1 और प्लस 5C2 की हो जाएगी 5 × 4/2 × 1। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर 6 × 5 = 30, सो बटे हो जाएगा 2 × 1 = 2, आपस में गुणा करेंगे फिर बटे, यहाँ 6 × 5 = 30, यहाँ 5 × 4 = 20, नीचे तो 2 ही आएगा तो 30 और 20 = 50, 50/2, 2 2 कैंसिल आउट, 0 0 भी कैंसिल आउट, तो 3/5 इसकी प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर देखिए 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा अधिनियम रिक्त स्थान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो पहले अंश और हर अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 19 नहीं है 171, यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेते हैं प्लस 31 × 10 करेंगे 31 × 3 = 10, फिर प्लस 32 × 11 करेंगे तो यहाँ 11 × 2 = 22, 11 × 33 = 2 35 = 352, और नीचे वैल्यू आ जाएगी देखिए 233.25 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 466.50 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 50 होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 833, या आप प्लस कर लेंगे और नीचे यहाँ पर देखिए 466 में 50 घटाएंगे तो 416 यहाँ पर लिख लेते हैं, 416.50 रहेगा। दशमलव रिमूव करेंगे तो ऊपर एक के बगल में 00 आएगा क्योंकि यहाँ 2 अंक है। अब 00 कैंसिल आउट, फिर 5 से 5 × 2 = 10, यहाँ पर देखिए 5 से 5 = 48, फिर 16 हुआ 5 × 3 = 15, फिर 15 हुआ 5 × 3 = 15 और 833 से 833 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बचेगी वैल्यू, इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a माइनस बी का 40% बी ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले लिख लेते हैं ए माइनस बी का 40% बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20%। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो ये रिमूव हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, तो यदि हम ए प्लस बी के बटे में ए माइनस बी को ले जाएंगे तो देखिए ए प्लस बी बटे ए माइनस बी तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बटे में ले आएंगे 1 को, मतलब 2/1। अब इसको आप लिख सकते हैं ए बी का रेशियो बनाना है तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ए बटे बी के रूप में तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर बराबर 2+1 ऊपर नीचे 2-1, ये आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 1 हो जाएगा 3 और नीचे 2 में 1 घटाएंगे 1, तो मतलब ए और बी का रेशियो बन जाएगा 3:1। अब कह रहा कि बी ए का कितने प्रतिशत है तो देखिए बी तो 1 है, अब आपको प्रतिशत निकालना तो ऊपर लिखेंगे और किसका ए का, तो ए की वैल्यू 3 है तो नीचे इंटू करेंगे 100, तो अब 1/3 की वैल्यू होती है यहाँ पर 33.33, या फिर 1 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 नीचे 3, 100/3% भी लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखिए फादर दिया है 8 दिन में पूरा कर सकता है और सन उसी कार्य को 7 दिन में, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। इसको आप देखिए सॉल्व करते हैं, पहले 8 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 7 का एलसीएम 56 होगा तो टोटल वर्क हो जाएगा 56। अब फादर की इफिशियंसी तो 8 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा और पुत्र की कार्य क्षमता हो जाएगी 8 7 8 56। अब देखिए यदि पिता एक दिन काम करे तो अपने इफिशियंसी से करेगा यानी 7 की कार्य क्षमता से 7 काम होगा एक दिन में,
इसी तरह यदि सन अगले दिन, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के करते हैं, तो ये 8 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 8 × 1 = 8 काम हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल काम हुआ 15, यहाँ जोड़ेंगे तो 15 काम, लेकिन दिन यहाँ पर 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में तो 15 काम होता, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 days = 15 work 15 काम। लेकिन आपको काम 56 दिया हुआ है, तो पहले 15 * 3 = 45, यहाँ भी 2 * 3 = 6, 6 days में यहाँ पर 45 काम होगा, इस तरह बना लेंगे 45 work। अब देखिए फर्स्ट दिन फादर स्टार्ट करते हैं काम करना, तो एक दिन और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन, 7 days में हो जाएगा, देखिए काम होता है 7, तो यहाँ पर 7 काम और जुड़ जाएगा, तो 45 + 7 हो जाएगा 52 काम। अब बचा 4 काम, क्योंकि टोटल 56 काम है, तो अब यहाँ पर पुत्र करेगा 4 काम करेगा, लेकिन अपनी कार्य क्षमता से करेगा, 8 कार्य क्षमता है, तो 4/8, तो यहाँ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब 1/2 दिन और लग जाएंगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा, देखिए यहाँ 7 days है और प्लस 1/2, तो 7 सही यहाँ हो जाएगा, 1/2 दिन। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेष 1 बच रहा है, तो सबसे पहले -1 सभी में कर लेते हैं, और -1 करने के बाद देखिए यहाँ पर 3639 वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वाली, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3613 हो जाएगा सेकेंड, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3600 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3626। अब आपको यहाँ पर देखिए संख्या में देखें तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का मल्टीपल देखिए ना तो फर्स्ट है, ना ही सेकंड है, ना लास्ट है, 5 का मल्टीपल केवल ये 3600 है, अतः इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, केवल 5 का फिर मल्टीपल देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पोल को TSPI और बोर को FSE भी लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में हैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेते, फर्स्ट शब्द में देखिए प्रथम लेटर देखेंगे तो यहाँ P से T हो गया, अर्थात 16 × 4 = 20 होता है, तो +4, यहाँ 15 से 19 हो गया, तो मतलब +4 किया है, यहाँ पर देखिए 12 × 4 = 16 अर्थात +4, और लास्ट में देखिए 5 × 4 = 9 हुआ, मतलब +4। यहाँ पर सेकंड में भी देखिए यहाँ पर 2 × 4 = 6 होता है, फिर 15 × 4 = 19 हो गया, फिर यहाँ 1 × 4 = 5 होता है, 18 × 4 = 22, तो +4 इसमें भी इस प्रत्येक लेटर में करेंगे आंसर आएगा, तो 8 × 4 = 12 मतलब फर्स्ट लेटर L हो गया, 1 × 4 = 5 होता सेकेंड ई, तो केवल यहाँ पर देखिए एल ई दो लेटर ही देख करके पता चल गया, 20 × 4 = 24 होता, तो यहाँ यक्स आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 6090 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल पहली इंटू दूसरी बराबर LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया है 435, तो यहाँ लिखेंगे 435, और दूसरी संख्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो दूसरी यक्स मान लेते हैं, और LCM दिया 6090, तो यहाँ लिखेंगे 6090, और इंटू SCF दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब देखिए 15 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 15 = 15, यहाँ पर 15 × 3 = 30, और फिर 13 = 135, 15 नहीं है 135, फिर 29 से डिवाइड कर देंगे, 29 = 29, यहाँ देखिए 29 × 2 = 58, फिर 2 = 29 हुआ, तो 29 = 29 और 1 = 0, अर्थात दूसरी संख्या हो जाएगी 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन रिक्त स्थान में शुरू किया गया था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अक्टूबर 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI का सृजन किया गया था, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक आदमी और प्लस एक लड़का, मैन प्लस बॉयज, किसी कार्य को करते हैं 24 दिन में, यहाँ पर लिखेंगे 24 दिन, लेकिन यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करे, मतलब यहाँ पर 6 मैन, यहाँ पर आदमी अकेले 6 दिन काम करे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है, तो यहाँ पर यदि 6 दिन में काम करेगा अकेला तो कार्य 26 दिन में समाप्त होगा, तो इसके पहले 20 दिन लगे होंगे, मतलब यहाँ पर आदमी और लड़का यदि काम किए होंगे तो यहाँ पर 20 डेज किए होंगे। अब देखिए लड़का अकेले कार्य करते हुए उसे
कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। यहाँ पर तो पहले माइनस कर लेते हैं, तो यदि आदमी और लड़के यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अकेले आदमी करे तो 6 दिन लगता है, तो यदि आदमी और लड़के दोनों करेंगे तो शेष यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 दिन में उसी काम को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर आदमी और लड़का यदि इसी काम को 4 दिन में करे तो आदमी अकेले उस काम को 6 दिन में। यहाँ से आपको मैन एंड बॉयज़ के रेशियो फाइंड कर लेना है, तो यहाँ 4 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 4m+4b=, यहाँ पर 6m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 2m=हो जाएगा 4b। अब इसमें देखिए 2 2 4, 2 1 2, तो आदमी और लड़के का अनुपात बन जाएगा यहाँ पर 2:1, आदमी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, बॉयज कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए किसी एक डेटा से ले लेंगे, इस डेटा को यदि लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यदि आदमी और लड़का किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर यदि कह रहा है कि लास्ट में कि लड़का अकेले कार्य करे तो, यानी बॉयज अकेले कार्य करे तो यक्स दिन लगेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको इफिशियंसी जो कार्य क्षमता है इसी को पुट कर देना है। आदमी की यहाँ पर 2 है, लड़के की 1 है, तो 2 1 3, और 3 × 24 करेंगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इस तरह सॉल्व करते हैं बराबर। अब बॉयज़ की यहाँ पर 1 है, तो 1 × x करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 72 दिन। इस तरह फाइन करना, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि निवेशित करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का अनुपात क्रमशः कितना होगा। यहाँ पर देखिए ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट का हो जाएगा ब्याज 6 10 × 6, फिर अनुपात है। सेकेंड का यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 12 × 10। यहाँ पर फर्स्ट व्यक्ति का है, मतलब यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर ए, यहाँ सॉरी, ये ए का हो जाएगा। फिर इस तरह बी का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 × 12 करेंगे तो सेकेंड का 12 × 6, फिर यहाँ पर ये बी का हो गया। सी का यहाँ पर थर्ड पर्सन का निकाल लेंगे तो यहाँ पर करेंगे 15 × 12, तो यहाँ पर 15 × 12 का, बी का यहाँ 12 × 10 होगा, 12 × 10 करेंगे, ये बी की वैल्यू होगी। और सी का यहाँ पर हो जाएगा अनुपात में 15 × 12 करेंगे, यहाँ पर 15 × 12। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले 10 × 6 = 60, यहाँ पर 12 × 2 = 120, और यहाँ पर 15 × 12 गुणा करेंगे तो 180 वैल्यू आएगी। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18। तो यहाँ पर देखिए ए का तो एक ही है, तो 1a = 1a ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ 2b = यहाँ पर 3c हो गया। अब आपको ए बी सी का धनराशि का अनुपात निकालना है, ए बी सी का, तो यहाँ पर देखिए जब ए का फाइंड करना होगा तो 1 को छोड़ देंगे और बाकी का गुणा कर लेंगे, मतलब 2 और 3 का गुणा होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। जब बी का फाइंड करना होगा तो आपको 2 छोड़ करके और बाकी का गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 3 1 3, बी का हो जाएगा 3। और जब सी का निकालना होगा तो 3 को छोड़ देंगे तो 2 1 2, यहाँ पर 2, तो इस तरह से 6:3:2 धनराशियों का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, मतलब 4 यहाँ पर CP हो जाएगा और 5 यहाँ पर विक्रय मूल्य है, आरंभिक SP है 5। अब कह रहा है कि और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब आरंभिक विक्रय मूल्य तो यहाँ पर 5 है, तो 5 का 4% यहाँ पर पहले देखेंगे, तो 5 का जब 4% फाइंड करेंगे तो 5 20/100, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, मतलब 0.2। अब 0.2 यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू SP की 5.2, ये SP की वैल्यू हो जाएगी अब।
और सीपी तो 4 ही है, तो एसपी 5.2 हो गया। तो दोनों का यहाँ पर देखिए यदि डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ पर 1.2 हो जाएगा डिफरेंस। आप कह रहा है कि अनीशा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ तो यहाँ पर देखिए हो रहा है 1.2 का, लेकिन 4 पर होगा, तो प्रतिशत लाभ आपको फाइंड करना है। तो 1.2 ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे, इनटू हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर जीरो जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एक कम 4, 4 तें 12, तो 3 × 10 करेंगे तो 3 दहम 30%, यहाँ पर 30% का लाभ होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति होमोसेफियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष रिक्त स्थान में देखे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, तो यहाँ पर पहले सिटिंग पोजीशन बना लेंगे, सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये सबका राइट हो जाएगा और ये सबका लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेसिंग डायरेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू के बगल में बैठा है, तो देखिए पी क्यू के बगल में, इसको अभी छोड़ देते हैं, यस बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो यस को बैठा देते हैं यहाँ पर बाएं छोर पर। फिर आगे देखिएगा, आगे पढ़ेंगे टी आर के बगल में बैठा है, तो अभी इन दोनों डेटा को अभी ज्यों का त्यों रखे रख लेंगे। फिर कह रहा कि टी पी के साथ नहीं बैठा है। आगे देखिएगा पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले दाएं से पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बैठाते हैं पी को, पी दाएं से तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए सेट कर सकते हैं पी क्यू के बगल में बैठा है, तो पी क्यू के बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पर देखिए टी पी के साथ नहीं बैठा है, तो टी को पी के साथ नहीं बैठाना मतलब टी इधर भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो मतलब टी को बैठाएंगे इधर। अब देखिए टी आर के बगल में बैठा है यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में, तो आर को यहाँ पर बैठाएंगे, और पी क्यू के बगल में बैठा है तो क्यू को यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए कह रहा कि आर कहाँ बैठा है, तो आर बैठा है पी और टी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो विकल्प में देखें तो देखिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, पी और टी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, काट 19 डिग्री, फिर ब्रैकेट में देखिए काट 71 डिग्री इंटू कास स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 1/tan 71 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 69 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा यदि काट का हम व्युत्क्रम यहाँ पर लिखें तो 1/tan होता है, 1/ यहाँ पर टैन हो जाएगा, 1/tan 71 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सेक होता है कास का व्युत्क्रम, मतलब यहाँ पर 1/sec 69 को ऊपर लिखेंगे कास स्क्वायर 69 डिग्री, 69 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखिएगा यहाँ पर tan 71 दोनों से कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए काट 19 डिग्री, 19 डिग्री ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा tan 71 डिग्री। ये इस तरह सॉल्व करना है। फिर ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ पर कास स्क्वायर 21, तो यहाँ लिखते हैं कास स्क्वायर 21 डिग्री, और प्लस यहाँ पर भी कास स्क्वायर यहाँ पर 69 डिग्री हो जाएगा, कास स्क्वायर 69 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे टैन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 71 की जगह 69 हो जाएगा, मतलब कॉट 19 यहाँ पर देखिए, और नीचे भी हो जाएगा कॉट 19, ये सेम कर लेंगे। फिर इन टू यहाँ पर देखिए कास 69 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कास स्क्वायर तो 21 है, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 21, ये दोनों यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये संख्या है इसकी 1, और यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1, 1 × 1 करेंगे तो फाइनली इसका आंसर 1 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एलेनोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए 7 ये किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर तीनों को पहले प्लस कर लेंगे तीनों संख्याओं को आपस में, तो 12 3 15 15 6 21 हो जाएगा, और 21 में यहाँ से 3 3 में से भाग करेंगे 21 में, क्योंकि संख्याएं तीन है तो 3 7 21 ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए 13 7 20 और 20 4 24 इनको जोड़ करके और 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 संख्या है, 3 8 24 बीच वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 5 4 9 9 और 9 3 12, तो 12 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन
में भी योगदान नहीं करता है। उद्भवन का अर्थ होता है जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बॉम्बे डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए पैटर्न में देखें तो यहाँ पर 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 में 15 से भाग करने पर यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, मतलब 30 भागे 15। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 25 × 3 करेंगे तो 75 हुआ, 75 में जब 15 से भाग करेंगे तो 15 × 75 ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। तो समान संख्या से भाग करना है किनारे वाली संख्याओं को गुणा करके। यहाँ देखिए 6 × 4 = 24 होता है, 24 × 3 करेंगे 3 × 8 = 24, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर 6 × 2 = 12 होता है, 12 में भी 3 से भाग करेंगे तो 3 × 4 = 12, ये 4 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से समान संख्या से भाग करना है। देखिए यहाँ पर 2 × 9 = 18 तो 6 से भाग करेंगे तब 3 प्राप्त होगा, 6 × 3 = 18 होता है। यहाँ पर 4 × 3 = 12, 12 में जब 6 से भाग करेंगे, 6 से ही भाग करेंगे 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 0 से 52 के बीच टोटल 26 विषम संख्याएं हैं और यन विषम संख्याओं का योग होता है यन स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर योग निकालेंगे तो 26 का स्क्वायर करेंगे 676 होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ कुल मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे मूल मान यहाँ पर 100 लेकर के चलेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 था। अब देखिए पहले व्यक्ति को 15% का लाभ होता है तो 115% हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115/100, और दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स, तो 100+यक्स जोड़ेंगे तो यहाँ बटे लिखेंगे 100, और ये यहाँ पर टोटल देखिए 38% होता है कुल लाभ मूल व्यय का, तो 100 में 38 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू 138। इस तरह पहले इस वैल्यू को सेट करेंगे। अब आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर 100 लेकर के चले थे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से तो 20 × 5 = 100, यहाँ पर 23 × 5 = 115, अब यहाँ पर 20 का गुणा कर देंगे 138 से तो देखिए यहाँ पर 23 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 2300 और प्लस हो जाएगा 23x बराबर 138 × 20 करेंगे तो 276 यहाँ पर और एक जीरो लगाएंगे 2760। अब देखिए यहाँ पर 23x तो रहेगा, 2300 को 75 करेंगे तो 2760 में जब घटेगा तो 460 यहाँ वैल्यू बचेगी, 23 × 1 = 23, 23 × 2 = 46, एक जीरो लगाएंगे x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो दूसरे व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हारी भाई की पत्नी की इकलौते भाई या बहन के इकलौते भांजे का दादा हूँ, तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे सुल्तान और यहाँ साइड लिख लेते हैं रमेश। अब देखिए यहाँ पर सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के, तो रमेश के यहाँ पर लिखेंगे भाई, रमेश के भाई की पत्नी, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर पत्नी लिखेंगे के इकलौते भाई या बहन, तो यहाँ पर इकलौता भाई या अब्लिक बहन, भाई या फिर बहन का इकलौता भांजा हूँ, तो मतलब भाई की यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यदि भाई, तो ये बहन का यहाँ पर पुत्र होगा तब भांजा होगा, सॉरी इकलौते भांजे का दादा, तो इकलौता भांजा ये तो बहन की बहन का पुत्र और इसके पिता का पिता यहाँ पर हो जाएगा सुल्तान, सुल्तान यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें संबंध बताना है, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर पुत्र है, ये भी पुत्र होगा तो रमेश पुत्र ही कहलाएगा, यहाँ पर बेटा अर्थात पुत्र, रमेश का सुल्तान से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातत्वविद भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष रिक्त स्थान में अशोक के राजा देश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो प्लॉटर होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में अंदर यहाँ पर 3 भुजाएं हैं और बाहर 5 भुजाएं हैं, तो देखिए 3 × 5 = 15 और प्लस 1 कर दिया तो ये 16 प्राप्त हुआ। इसी तरह यहाँ पर देखिए अंदर 4 भुजाएं हैं, बाहर 3 भुजाएं हैं, तो 3 × 4 = 12, 12 + 1 कर दिएंगे तो ये 13 प्राप्त हो गया। फिर आगे देखिए इधर अंदर 5 भुजाएं हैं और बाहर 6 हैं, तो 5 × 6 = 30, 30 + 1 करेंगे 31। तो अंदर देखिए यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, बाहर 4 हैं, तो 5 × 4 = 20 और 20 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 रिक्त स्थान से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक तहकीक मां लील हिंद किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एरिया दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का 288 मीटर स्क्वायर। अब एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट यहाँ पर फार्मूला होता है और बराबर 288। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 2 गुनी है, तो यदि आधार को बेस को यक्स लें तो ऊंचाई हो जाएगा 2x और यहाँ पर इसमें गुणा करके 288 के बराबर करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 144 आएगा। यहाँ यक्स इंटू यक्स होगा तो यक्स स्क्वायर, ये 144 12 का स्क्वायर होता है, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है ऊंचाई, अब ऊंचाई देखिए यहाँ 2x है, डबल है, तो यहाँ पर जब हाइट फाइंड करना होगा तो 2 × 12 करेंगे तो 12 × 2 = 24, 24 मीटर ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न में देखें तो यहाँ पर देखिए 3 3 है, यहाँ पर 9 प्राप्त हो गया, तो मतलब यहाँ पर 3² + 3² दोनों का स्क्वायर, दोनों 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 9 × 9 = 18 और भाग करेंगे 2 से तो 18 / 2 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ भी 3² + 9² और भाग करेंगे 2 से, 9² = 81, 81 = 6 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 81 × 9 = 90, 90 में जब भाग करेंगे 2 से तो 45 आएगा, यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर भी देखिए 4² और 6² यहाँ पर जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 और यहाँ पर 16, 36 16 यहाँ पर 52, तो 52 में 2 से भाग करेंगे तो ये 26 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर और दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 6² = 36 और 2² = 4 = 40, 40 में जब 2 से भाग होगा तो यहाँ 20 बार जाएगा, तो अर्थात यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 20 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें। यहाँ पर असंगत होगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है, बाकी कृष्णा का गोदावरी और कावेरी ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए पैटर्न में देखिए तो 90 से 135 हुआ तो प्लस 45 कहीं किया है, 135 से 180 हो गया तो प्लस 45, यहाँ पर 45 45 बढ़ाएंगे फिर प्लस 45 करेंगे 225, पुनः प्लस 45 करेंगे 270 और फिर 45 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 215। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत, व्यय का मतलब यहाँ पर खर्च से है, तो यहाँ पर कह रहा है कि विकास 80% खर्च कर देता है, यहाँ व्यय 80% है तो यहाँ पर लिखेंगे बचत हो जाएगा 20 क्योंकि टोटल आय होती है 100, तो 100 = 80 + 20 इस तरह सेट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ 20 × 25 = 100, 20 × 80 = 20, 5 = 4 + 1। अब कह रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मतलब आय में 25% तो 25 का गुणा कर देंगे, फिर कह रहा है व्यय में 15% की वृद्धि तो व्यय में 15 का गुणा कर देंगे और लास्ट में कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत में लिख लेंगे x प्रतिशत की। अब इस तरह से गुणा करेंगे देखिए तो 25 × 5 = 125, यहाँ पर 15 × 4 = 60, तो यहाँ पर 60 माइनस कर लेंगे यहाँ पर आएगा और बराबर यहाँ पर x = x, तो 125 में जब 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 65 वैल्यू बचेगी, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 65% की, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए पहला कथन है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, यह पूर्णतः सत्य है। और त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये भी सत्य है, अर्थात दोनों कथन सत्य है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे ओपेक कहते हैं से बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इक्वाडोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी दोस्त हैं, यहाँ पर देखिए क्यू आर क्यू से लंबा है तो आर को क्यू से लंबा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, आर ऊपर क्यू नीचे, लेकिन यस से छोटा है, आर यस से छोटा तो यस को ऊपर लिख लेंगे, टी यस से लंबा है तो टी को यस से लंबा यहाँ ऊपर लिखेंगे टी को, और पी सबसे छोटा है तो पी को लिख लेंगे नीचे। कह रहा कि उन सब में सबसे लंबा कौन है, तो टी है सबसे लंबा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने एक देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि इनमें से प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है, इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अनुपात में यदि जोड़े तो अनुपात में 11:9 हो रहा है, और 20 का मल्टीपल देखेंगे तो केवल 40 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए होल सम बी बराबर ए माइनस बी प्लस 1/√ab प्लस √ab/b है तो 0.9 होल सम 0.1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए की जगह दिया है 0.9 यहाँ देखें, और बी की जगह दे दिया है यहाँ पर 0.1, तो आपको वैल्यू पुट कर देना है इस वाले समीकरण में पूरे में ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिएगा 0.9 और प्लस सॉरी होल सम 0.1 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी है मतलब 0.9 माइनस 0.1, फिर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 1/√a/b है तो स्क्वायर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा 0.9 × 0.1, फिर इसके बाद आगे देखेंगे यहीं पर, फिर यहां पर देखिए प्लस स्क्वायर रूट पूरे में लगाएंगे यहां पर a/b है मतलब 0.9/0.1। अब देखिए यहां पर पहले घटाएंगे तो 0.8 वैल्यू बचेगी यहां पर, 0.9 में 0.1 माइनस करेंगे प्लस 1/ यहां पर देखिए 0.09 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0.09। अब इसी में देखिएगा प्लस यहाँ पर दशमलव रिमूव कर देंगे तो 9/1 का मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे 0. यहाँ पर तो 8 ही रहेगा तो यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ पर 0.09 का यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.3, वर्गमूल निकालेंगे तो नीचे 0.3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, दशमलव यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे, यहाँ पर इसके 1/2 कर लेंगे तो देखिए 10, 3 और 1 का एलसीएम 30 होता है, तो यहाँ पर देखिए इसको 30 बनाना तो 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे, इसको 30 बनाना तो 10 का गुणा नीचे और ऊपर दोनों में करेंगे 10 का, फिर इसके बाद देखिए इसको 30 बनाना तो 30 का गुणा ऊपर और नीचे यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो देखिए हर समान हो जाएगा 30 30 30 सभी में है, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 वैल्यू कन्वर्ट हो गई प्लस यहाँ पर 10 10 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस 30 3 90 हो जाएगा। अब इसको आपस में देखिए प्लस कर लेंगे तो 190 और यहाँ पर 24 और प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 214 और बटे में हो जाएगा 30, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए ड्रैगन को लिखा जाता है ये शब्द, उसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहला लेटर देखें तो डी से यहाँ पर बी हो गया मतलब -2 किया है फर्स्ट लेटर में, फिर यहाँ पर देखिए सेकंड में भी देखिए 18 से यहाँ पर 16 हुआ मतलब -2 किया है, फिर आगे देखिए ए से यहाँ पर वाई हो गया तो -2 किया है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक लेटर में -2 कर रहा है तो यहाँ पर भी प्रत्येक लेटर में -2 करेंगे, जब -2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए एस में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्यू बचेगा 19 में 2 17, टी में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आर बचेगा क्योंकि 20 में 2 घटाने पर 18, ए में 2 घटाएंगे तो वाई होगा, आर में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर पी होगा क्योंकि 16 बचेगा, और 11 में 2 घटाएंगे तो 9 मतलब आई, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू आर वाई पी आई, 2 2 माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो ये बीजापुर कर्नाटक में है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, तो ये एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है,
पीडीएफ फाइल का, पीएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे तो 6677 है, इसमें पहले इन दोनों संख्याओं को माइनस कर लेते हैं। माइनस पहले 3739 करेंगे, यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 2938, ये आप घटा लेंगे आपस में, और 6677 में ही दूसरी संख्या को माइनस कर लेते हैं 2270, तो यहाँ पर घटाने पर वैल्यू आएगी 4407 जब यहाँ पर घटाएंगे, और लास्ट में इन दोनों को माइनस कर लेंगे बची संख्या को 3739 में, यहाँ पर 2270 माइनस होगा तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस करने पर 1469। अब आपको इन तीनों का एस सी एफ फाइंड कर देना है, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो एस सी एफ में सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं और इसका भाग देखिए दोनों तीनों संख्याओं में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है अर्थात 1469 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है। संख्या मान लेते हैं यक्ष है, यक्ष में जब 7 जोड़ेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर 9 से विभाजित करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त भाग फल में से 3 घटाने पर, अब यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होता है यहाँ पर, तो मूल संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इसमें मूल संख्या ऑप्शन से रखेंगे, देखिए ऑप्शन से यदि यक्ष की वैल्यू 20 रखें यहाँ पर, तो देखिए 20 रखेंगे तो 20 7 27, और 27 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर 27 × 5 गुणा नहीं करते हैं बटे अभी 9 है, तो 9 × 3 27, 3 5 15, और इसमें 3 घटाएंगे तो देखिए 12 आ जाएगा, 15 − 3 = 12, अर्थात ये ऑप्शन का फिर सहारा लेंगे, यक्ष की वैल्यू यहाँ पर 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रिक्त स्थान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए ये 3 शब्द दिए गए हैं, गाय, बतख, पक्षी, तो इसका विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए तो ये हो जाएगा बतख, अंदर वाला डायग्राम सभी बतख पक्षी होते हैं, बाहर यहाँ पक्षी, और ये गाय अलग है तो इस ये गाय के लिए इंडिकेट करेगा, अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों ए बी और सी के माप समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का मतलब यहाँ प्रत्येक कोण बराबर है, अब तीनों कोण बराबर हो तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, मतलब 60 60 डिग्री तीनों कोण होंगे यहाँ पर इस तरह से। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एम बी सी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है, तो यहाँ पर देखिए ए ऊपर रखेंगे तो ए एम बी सी पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर ये एम होगा और ये हो जाएगा बी सी, तो ये 90 डिग्री दोनों साइड बनेगा 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री होगा तो ये 30 30 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर 60 है तो ये 30 होगा, तो 90 90 90 180 दोनों साइड 180 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी एम अपान ए बी का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए बी एम और ए बी का मान निकालना है, तो बी एम यहाँ पर देखिए ये आधार है और ए बी यहाँ पर कर्ण है, ए बी कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी एम ज्यों का त्यों लिखेंगे अपान ए बी ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, यहाँ पर न्यून कोण होता है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर देखिए बी एम अपान ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ पर वैल्यू रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 + 2√3 / 2 − √3 = x + y√3 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हर का पहले परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा, देखिए 5 + 2√3 ये तो रहेगा और नीचे ये भी वैल्यू रखेंगे 2 − √3, लेकिन जब चिन्ह बदलेंगे तो देखिए 2 + √3 नीचे वाली वैल्यू का चिन्ह बदल देंगे और नीचे भी यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3 और ये बराबर दिया हुआ है x + y√3। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे 5 का पहले दोनों के साथ तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 5 का जब √3 से करेंगे तो प्लस यहाँ 5√3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2√3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4√3 यहाँ पर हो जाएगा और 2√3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6
यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगी वैल्यू। और नीचे देखिए यहाँ पर दोनों के वर्गों का अंतर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस है, तो 4 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर एक्स प्लस वाई रूट 3। अब देखिए इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना इस साइड, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 10 और प्लस 6 तो यहाँ 16 हो जाएगा, और प्लस 5 √3 है, 4 √3 है, तो 5 * 4 = 9 √3 हो जाएगी वैल्यू, और बराबर यहाँ पर एक्स प्लस वाई रूट 3। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 16 9 वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेल गोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेताओं ABCD और E के नामों पर विचार किया जाता है, उनमें से ए का चयन किया जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रायिकता का फार्मूला होता है पक्ष में संभावना बटे कुल संभावना। पक्ष में संभावना देखिए 3 सदस्यों का चयन करना है, लेकिन ए के लिए सिंगल एक का चयन कर रहे हैं, तो 3C1 हो जाएगी, और टोटल संभावना है टोटल यहाँ पर 5 सदस्य, तो 5C1 हो जाएगी कुल संभावना। अब इसमें देखिए 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 5C1 की वैल्यू 5, यहाँ पर एक फार्मूला होता है NC1 = N, तो उसी से यहाँ पर 3/5 प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भूमध्य सागरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए सामने वाली संख्या जस्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर देखिए 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर यहाँ पर 25 आएगा, क्योंकि 9 स्क्वायर यहाँ 81 है, तो यहाँ पर 25 फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाग उसके पूरे खंभे का 1/4 है। देखिए यहाँ पर 3 भाग हैं, 1, 2, 3, तो कह रहा है कि पहला भाग पूरे खंभे का 1/4 है, और दूसरा भाग पहले भाग का 4/8 है, तो दूसरा भाग पहले भाग का 4/8, तो यहाँ पर इसको देखिएगा 4 4 कैंसिल तथा दूसरा भाग 1/8 हो जाएगा। अब दोनों भाग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1/4 और प्लस 1/8, तो यहाँ पर 8 इसको भी बनाएंगे तो 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो 2 1 3 3/ यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो दूसरा भाग तीसरा भाग यहाँ पर देखिए बचेगा, जब 2 भागों का योग 8 में से 3 है तो 3रा भाग हो जाएगा 5/8, तीसरा भाग बचेगा 5/8, तो ये तीनों भाग क्रम से हो गए। अब कह रहा है कि तीसरा भाग 10 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर ये जो 5/8 है तीसरा भाग, इसकी लंबाई 10 मीटर है, 5/8 बराबर यहाँ पर दिया है 10 मीटर, तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5 5 2 10, तो 8 को गुणा 2 से करेंगे, तो 1 बराबर पूरा खंभा हो जाएगा 16, 8 2 16 मीटर, तो यहाँ पर लास्ट में उस खंभे की लंबाई ज्ञात करना था, 16 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बायोपिक्स का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1981 से 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण सी सम कोण है और कोण A बराबर कोण B है, तो sin A × sin B प्लस cos A × cos B का मान क्या है? यहाँ पर देखिए कोण A और कोण B बराबर है, तो यहाँ पर B की जगह दोनों जगह A रख लेते हैं, तो sin A × sin A हो जाएगा, तो sin² A हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर cos² A हो जाएगा, तो sin² θ प्लस cos² θ की वैल्यू हो जाती है 1। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 2। यहाँ पर देखिए अंश हर से 2 कम है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है, सेकंड तो होगा नहीं, 4 का अंतर है, यहाँ पर भी नहीं हो, सॉरी ये भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, अंश हर से 2 कम है, और फोर्थ नहीं होगा, 4 का अंतर है, तो
इन दोनों में से देखिएगा, अब आगे कह रहा कि वी सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड टू एट द डिनोमिनेटर। यहाँ पर ऊपर दो घटाएं और नीचे दो जोड़ें, तो देखिए भिन्न होनी चाहिए फ्रैक्शन 1/3। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 3 ऊपर होगा, नीचे 7 × 2 9, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 9, देखिए यहाँ पर 1/3। दोनों शर्त फर्स्ट ऑप्शन में फॉलो हो रही हैं, अतः ये फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का अमाउंट दिया है 1512, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद देखिएगा, और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है, तो 4.5 वर्ष का अमाउंट दिया है यहाँ पर 1668। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि इस धनराशि पर लागू ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों को डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 वर्ष होगा 1.5 ईयर, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो दोनों को आप घटा लेंगे 300, यहाँ पर 156, तो ये 1.5 वर्ष का एसआई आएगा, मतलब ब्याज इनको घटाएंगे आपस में तो एसआई होगा 1.5 वर्ष का। आपको 3 वर्ष का ब्याज निकालना है क्योंकि 3 वर्ष का अमाउंट यहाँ पर लेके चलेंगे, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 1.5 दूनी होता है 3, तो 3 वर्ष का एसआई हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 312, तो एसआई 312 रुपये। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो अमाउंट माइनस ब्याज होता है, तो 3 वर्ष का अमाउंट 1512 है और 3 वर्ष का एसआई 312 है, तो 1512 माइनस 312 करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा 1200, घटाएंगे तो 1200 प्रिंसिपल होगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ से रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट इक्वल टू होता है ब्याज, ऊपर लिखेंगे 312, यहाँ पर ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज और नीचे हो जाएगा समय गुणे समय 3 वर्ष है, तो समय यहाँ पर नीचे लिखेंगे इनटू और मूलधन का 1%, तो 1200 का 1% 12 होगा, तो इसमें इस वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते थे आप, यहाँ पर यदि इस तरह नहीं करना है तो ब्याज गुणे 100 कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ब्याज इंटू 100 अपान समय गुणे मूलधन, तो समय 3 वर्ष है, मूलधन है 1200, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 00 से 00 कैंसिल आउट। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं और 3 से, तो 3 × 3 फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 3 × 4 = 104, फिर और कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर 4 से 4 = 12, यहाँ पर 4 से 4 × 8 4 × 6 = 24, तो 26/3% हो जाएगी रेट, इस तरह फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में रिक्त स्थान और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर b² / b - a है तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस केस में a बराबर पहले 0 ले लेते हैं, a की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बराबर इस समीकरण में रख रहे हैं b² / b - 0, तो यहाँ पर देखिए 1b से 1b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बराबर भी यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, तो जब a बराबर 0 है तो b बराबर भी 0, अर्थात यहाँ पर अब वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों का क्यूब कर देंगे, 100³ + 100³, यहाँ पर 100³ 0 ही होता है, ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर/घंटा वृद्धि होती है, इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए पहले तो लिख लेंगे, यहाँ पर पहले घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, ये फर्स्ट घंटा हो गया, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर वृद्धि कर देंगे हर घंटे में, तो यहाँ 60 हो जाएगी, यहाँ पर आपको 470 किलोमीटर टोटल पूरा करना है, फिर अगले घंटे में 80 हो जाएगी, तीसरे घंटे में फिर 20 बढ़ाएंगे तो 100, चौथे घंटे में फिर 20 बढ़ाएंगे तो 120, पाँचवें घंटे में, तो यहाँ तो ये 5 घंटे तो हो गए प्लस, तो अभी यहाँ पर चल कितना लिया, तो देखिए 120 और 80 200 और यहाँ पर 100 और 300, अभी 300 ही कुल चला है, तो यहाँ पर देखिए अभी 470 सॉरी यहाँ पर 100 200 20 हो गया, और यहाँ पर 220 और 80 300 3 1 400, 5 घंटे में 400 दूरी चल गई। अब यहाँ पर अगले घंटे में फिर 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 140 होगा, ये 1 घंटे में है,
लेकिन आपको चलना है अब केवल 70, 400 तो चल लिया, तो 70 चलेगा हाफ आवर में, क्योंकि जब इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हाफ आवर लगेगा, तो यहाँ पर 1/2 आवर में 70 किलोमीटर और चल लेगा। तो इसका आंसर आएगा टोटल 5 घंटे 30 मिनट, 470 किलोमीटर चलने में 5 घंटे 30 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2017 वर्ष 2018 में 5 अलग अलग दुकानों ए बी सी डी और ई द्वारा की गई कालीन की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। तो कह रहा कि वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 की संख्या में कितनी है। देखिए वर्ष 2018 का ये कलर है येलो, तो आपको औसत निकालना है। देखिए 90, 85, 80, 70 और 75, इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे या फिर लिख लेते हैं पहले 90 प्लस, यहाँ पर सेकंड है 85, यहाँ पर देखिए 90, 85, फिर इसके बाद 80 है तो प्लस हो जाएगा 80, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 70, तो यहाँ पर प्लस अभी और लिखेंगे 75, लास्ट यहाँ पर 75 और डिवाइड बाय यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 से भाग कर देंगे। तो देखिए 5 से पहले यहीं पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, 18 पंचे 90, 17 पना 85 अलग अलग, 16 पंचे 80, 14 पंचे 70 और 15 पना 75। अब इन सब को प्लस कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो जोड़ने पर यहाँ पर टोटल 80 आएगा। तो इस तरह से आप विकल्प में देखें तो यहाँ पर विकल्प इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों ए बी और सी द्वारा किए गए लैपटॉप के उत्पादन से संबंधित ग्राफ का अध्ययन करें। यहाँ पर देखिएगा ए के लिए देखिए यहाँ पर कलर दिया है, बी का भी कलर दिया है, सी का भी कलर दिया है। अब क्वेश्चन है किस वर्ष में कंपनी सी और बी में के उत्पादन का अंतर प्रतिशत में अधिकतम था। यहाँ पर देखिए बी और सी का आपको पता करना है, तो देखिए यदि देखा जाए तो 6वें वर्ष में ही देखेंगे, तो बी का देखिए येलो कलर है और सी का यहाँ व्हाइट कलर है, तो यहाँ पर देखिए उत्पादन का अंतर यहाँ पर सर्वाधिक है, क्योंकि बाकी यदि देखें अन्य जगह पर तो प्रतिशत में तो देखिएगा यहाँ पर यदि इसमें देखें 5वें वर्ष में तो इनका अंतर बहुत कम है, न्यूनतम, यहाँ 4थे वर्ष में भी न्यूनतम है, यहाँ पर एकदम जीरो है, फिर इधर भी न्यूनतम है, यहाँ भी न्यूनतम है, सबसे ज़्यादा है 6वें वर्ष, तो वर्ष 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषयों में 2 छात्रों राज और रोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए कह रहा लास्ट में कि रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है, आपको प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का निकाल लेंगे, राज का भी और रोहित का, यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पर राज का प्राप्तांक टोटल हो जाएगा 4 विषयों का, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 156, यहाँ पर योग आएगा 156, और यहाँ पर अधिकतम टोटल अंक है कुल यहाँ पर 200, तो 200 में 156 यहाँ पर, तो 156/200 INT करेंगे यहाँ पर 100, तो यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 से 2 7 14, 2 8 16, 78% हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का, और सेकंड यहाँ पर देखिए रोहित का, राज के 78%, रोहित का देखेंगे तो रोहित का पहले कुल प्राप्तांक यहाँ पर निकालेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 158, यहाँ पर 158 और टोटल यहाँ पर पूर्णांक है 200, तो 158 200 का कितने परसेंट है यहाँ पर फाइंड करना है, तो इनटू करेंगे 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 2 7 14, 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा 79%। अब दोनों के प्रतिशतों का अंतर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 1% का अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से 2018 तक 3 अलग अलग राज्यों बिहार, काश्मीर और पंजाब में गेहूं का उत्पादन टन में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए लास्ट में कह रहा है कि वर्ष 2015 और 2016 में हुए सभी तीनों राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन टन में कितने का अंतर है। यहाँ पर 2015 का आपको टोटल लिख लेना है और 2016 का, 2016 तो देखिए 2015 के यदि तीनों राज्यों का टोटल यहाँ पर जोड़ें तो यहाँ पर 2015 का योगफल आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग प्लस कर देंगे 19 टन होगा, और 2016 का भी यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 टन, तो दोनों का अंतर देखिए 1 टन का है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल पर पी क्यू आर एस टी और यू टेबल लेबल वाले 6 दस्ताने आस पास रखे गए हैं। आगे देखिएगा टी यू और एस रबर के दस्ताने हैं, जबकि अन्य दस्ताने यूनी है, यहाँ पर 3 दस्ताने रबर के ही याद रखेंगे। आगे कहे 3 दस्ताने एस पी और क्यू हरे रंग के हैं, जबकि बाकी काले रंग के हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 ही हरे रंग के हैं, बाकी काले रंग के हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यू एस और यू दस्ताने किसी के द्वारा उपहार में दिए गए हैं, तो यहाँ पर, और जबकि अन्य खरीदे गए हैं,
उपहार में देखिए क्यू यस और यू ही दिए गए हैं, बाकी अन्य खरीदे गए हैं। लेकिन कह रहा कि इनमें से कौन सा दस्ताना काला रबर का है जो कि उपहार में नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए काला, देखिए यहाँ पर टी यू यस रबर, तो रबर का टी है, यहाँ पर काले में भी टी आ जाएगा और उपहार में भी नहीं दिया गया तो यहाँ भी टी आ जाएगा, तो अर्थात तीनों में कॉमन टी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, इसको आपको रीड करके ही ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न और उसके पश्चात दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट या कमजोर है। प्रश्न देखिए, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए। पहला तर्क है हाँ, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है, ये यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, ये कथन तर्क बिल्कुल पुष्ट है, सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए एक का वर्ग लिखा पहले, फिर दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का, पाँच का, यहाँ छः का वर्ग, 36 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार देश का गठबंधन होता है उसी प्रकार श्रमिकों का संघ होता है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देखिए तीन कथन दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन सा सत्य है। सभी राजा रानियां हैं, यहाँ पर बनाते हैं सभी राजा रानियां हैं, फर्स्ट यहाँ पर सभी राजा रानियां हैं, तो ये डायग्राम इस तरह बनाएंगे। फिर सेकंड देखिए कह रहा है कुछ रानियां केक हैं, तो कुछ रानियां केक है तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, यहाँ से केक को अंदर भी लिख सकते थे यहाँ पर। फिर देखिए कुछ राजा केक है, तो कुछ राजा केक है तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसको अंदर भी केक को लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं, तो यहाँ पर देखिए गलत है ये भी, क्योंकि यदि इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये दूर दूर है तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए कुछ रानियां ना तो केक है ना ही राजा है, ये यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड फोर्थ करेक्ट है, सभी रानियां या तो केक है या राजा, यहाँ पर करेक्ट होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों से कथन का तार्किक रूप से पालन करने वाले निष्कर्ष का चयन करें। यहाँ पर देखिए कथन है, एक चैन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितने की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। देखिए ये इसका कथन है, अब आपको तर्क देखना है कौन सा सत्य है, तो सेकंड इसका करेक्ट है। कह रहा कि सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चैन कितनी मजबूत है, इसका ये तर्क करेक्ट है, बाकी ये सभी तर्क गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। पहले अंग्रेजी वर्णमाला यदि लिखे तो देखे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हर तीसरा अक्षर हटाना, तो देखिए सी फिर एफ फिर 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, ये तीसरा अक्षर हटा देते हैं। अब दाएं से आपको पता करना है नौवां कौन सा है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर छठवां सातवां आठवां नौवां, नौवा यन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए एक से यहाँ पर दो हो गई आकृतियां, तो दो का गुणा किया है एक में, फिर दो से यहाँ पर चार हो गई तो दो का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए दो से यहाँ पर तीन का गुणा करेंगे तो दो त्याई छह हो जाएंगी, इसमें छह आकृति आएगी, तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, 3 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प में चार अक्षर समूह सूचीबद्ध हैं जिनमें से तीन किसी तरह समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें पहले क्रमांकित मान देखेंगे तो 10 और 15 25, 25 और 13 यहाँ पर 38, 38 और 17 जोड़ेंगे तो इनका क्रमांकित मान का योग यहाँ पर देखे 8 7 15, यहाँ पर 38 17 45, फर्स्ट में 45 आ रहा है, सेकंड में देखिए तो 10 5 15, 15 8 23 और 23 और यहाँ पर 13, तो 23 10 33 3, यहाँ पर 36 आएगा। इसमें देखिएगा सॉरी इसमें इस तरह नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 5 15 प्लस 5 किया है, फिर 15 से यहाँ 13 हो गया तो -2 किया है
और 13 4 17 प्लस 4 किया है, ये क्रम होगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें बाकी में समान क्रम रहेगा, इसमें अलग है। देखिए 5 5 10 प्लस 5 किया है, फिर 10 से 8 हो गया माइनस 2 किया है, और 8 5 13 प्लस 5 किया है, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5। यहाँ पर भी देखिए 21 5 26 प्लस 5, 26 से 24 हुआ माइनस 2, फिर 24 से यहाँ पर 29 हुआ तो प्लस 5। तो यहाँ पर क्रम सही है, तीनों में समान क्रम है। 11 5 16, 16 में 14, 16 से हुआ तो माइनस 2, 14 5 19 प्लस 5। देखिए तीनों में समान यहाँ पर सीरीज चल रही है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, तो इसलिए यह असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प में 4 आकृतियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से एक बाकी सभी से असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत में देखिए आकृति फर्स्ट ही होगा, क्योंकि बाहर जितने यहाँ पर आपको आकृतियाँ दिख रही हैं उतनी ही आकृति अंदर होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है, बाकी में सब में है। देखिए 2 आकृतियाँ बाहर तो 2 आकृति अंदर, यहाँ 1 आकृति बाहर 1 आकृति अंदर, यहाँ पर 2 बाहर है तो 2 अंदर है, यहाँ पर 4 बाहर है तो 4 अंदर है। फर्स्ट ये गलत है, असंगत फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए देखिए यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी कामा है, ए बी की बेटी है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बुआ है, और ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो यदि ये व्यंजक पूरा दिया गया है तो जेड का जी से क्या संबंध है? पहले आप व्यंजक के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में स्टार है, तो यहाँ पर देखिए जब स्टार होता है दो के बीच में तो फर्स्ट सेकेंड की बुआ है, मतलब पी जी की बुआ है। अब जी की बुआ तब होगी जब जी के यहाँ पर फादर होंगे, फादर की ये बहन होगी, तो ये पी की जी की बुआ है, इस तरह डायग्राम बनाएंगे। अब जी और यू के बीच में प्रतिशत है, देखिए जब प्रतिशत होता है तो ए बी की माँ है, मतलब जी यू की माँ है, तो जी यू की माँ है, तो यहाँ पर यू लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे जेंडर। फिर यहाँ देखिए यू और भी के बीच में हैज लगा है, तो देखिए हैज जब लगा होता है दो के बीच में तो ए बी का भाई है, मतलब यहाँ पर यू भी का भाई है, तो यू को भी का भाई यहाँ पर बनाएंगे, जेंडर यहाँ प्लस करेंगे, फीमेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस। आगे यहाँ पर देखिए इसके बीच में अपॉस्ट्रॉफी कामा है, तो यहाँ पर देखिए ए बी की बेटी है, यहाँ पर देख रहे हैं तो अर्थात भी टी की बेटी है। अब भी टी की बेटी है तो यहाँ पर टी को लगाएंगे, क्योंकि ये इसके पुत्र पुत्री होंगी, तो यहाँ पर इसको प्लस कर लेंगे, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। फिर आगे देखिएगा, कह रहा है कि टी प्रतिशत सॉरी टी है जेड है, अब जब हैज लगा होता तो ए बी का भाई है, मतलब टी जेड का भाई है, टी जेड का भाई, तो जेड को बगल में लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखिए जेड और भी के बीच में स्टार है, तो जब स्टार होता है तो ए बी की बुआ है, मतलब जेड यहाँ पर भी की बुआ है, अब भी की बुआ है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब ये पूरा डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कि जेड का जी से क्या संबंध है, तो जेड का जी से संबंध है, तो देखिए इसके पति की बहन, अब पति की बहन ही होगी जेड जी की, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। तो इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहां पर सभी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।